हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करूंगी, चिकन टिक्का मसाला। बनाने में बहुत इजी है और खाने में बहुत डिलीशियस लगता है, तो आप घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आइए तो हम चिकन मैरिनेट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 फुल चिकन लिया है जिसमें मैंने कट्स लगा लिए हैं, और इसमें 3 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। आप कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर का ही यूज़ कीजिएगा, उससे कलर बहुत अच्छा आता है और देखने में भी रेस्टोरेंट स्टाइल लगता है। और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 3 टेबल स्पून योगर्ट, 1/2 लेमन एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। तो यहाँ पर मैंने सारे मसालों को यूज़ किया है, जो कि चिकन टिक्का है वो बहुत ही फ्लेवरफुल बन के आया है। मैरिनेशन हमारा रेडी हो गया है। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है चारकोल फ्लेवर देना। बिना चारकोल फ्लेवर के चिकन टिक्का अधूरा है। तो यहाँ पे मैंने एक जलता हुआ चारकोल फॉइल पेपर पे रख दिया है और उसके ऊपर से मैंने घी डाल दिया और उसे अच्छे से ढक दिया है। उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब 1/2 आवर के लिए इसे रख दीजिए। हेयर इट्स रेडी। इस स्टेप को आप मिस मत करिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया और इस तरह से सारे चिकन को कुक करना है कि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए, क्योंकि मुझे मसाले में उसे बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है। तो पूरी कोशिश करें कि यहाँ पे अच्छे से कुक हो जाए। आइए अब हम मसाले तैयार करते हैं। यहाँ पर एक पॉट में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल हीट किया है एंड उसमें 2 मीडियम साइज़ के फाइन चॉप्ड ऑनियन ऐड किया है। अब इसे हम लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसमें हम 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट को तब तक फ्राई करें जब तक इसका रॉ स्मेल ना चला जाए। हाँ जी, तो यहाँ पे एक अच्छी स्मेल आने लग गई है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिसकी मैंने प्यूरी बना ली है। उसका पानी जलने देंगे, इसे हमें ओपन कुक ही करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पानी जल चुका है। अब यहाँ हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। यहाँ पे सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए और फिर उसे अच्छे से मिक्स करिए। इसे मैंने 10 से 15 मिनट कुक होने के लिए रख दिया है, जब तक कि यहाँ पे ऑयल सेपरेट ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 चिली जो कि मैंने स्लाइस कट कर दिया है, यहाँ 2 टीस्पून कस्तूरी मेथी जिसको हाथ से अच्छे से क्रश कर लेना है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 3 टेबल स्पून कुकिंग क्रीम। इसे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप यहाँ पर क्रीम की जगह आप दही भी ऐड कर सकते हैं। इसे आप अच्छे से मिक्स करें और 2-3 मिनट के लिए इसे कुक होने के लिए छोड़ दें। यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब एट द एंड यहाँ पे हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन को सबसे लास्ट में ऐड करना है क्योंकि फिर जो उसका फ्लेवर है वो ख़त्म ना हो जाए। तो इसे हम मसाले में बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे। यहाँ पर आप 1/2 ग्लास पानी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं, मैं भूल गई थी। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे कुछ कटे हुए हरी मिर्च, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। बस अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक करिए। नाउ इट्स रेडी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।